अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में हम टोटल 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे फॉलो कर अगर आप किसी भी एग्जाम में 90 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हैं। और लास्ट में बात करेंगे एक बोनस पॉइंट के बारे में, अगर 90 प्लस नहीं तो अभी जितना स्कोर हो रहा है उससे तो कहीं ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबके माइंड की कैपेसिटी अलग अलग होती है। और मैं ये पहले ही बता दूं कि मैं इस वीडियो में कोई भी शॉर्टकट के बारे में नहीं बात करने वाला। अगर सच में कोई ऐसा शॉर्टकट होता तो दुनिया का हर विद्यार्थी 100 में से 100 मार्क लाता। और मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी एग्जाम से ये कभी भी साबित नहीं होता कि आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है या फिर कितने कम इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सीखने से ज्यादा रेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे कि एक साल का सिलेबस होता है, जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स की कैपेसिटी 2 साल में सीखने की होती है, किसी की 1 साल की तो किसी की 3 महीने में। अब अगर जिसकी कैपेसिटी 2 साल में सीखने की है तो वो उतना सिलेबस 1 साल में कैसे कम्प्लीट कर पाएगा? फिर टीचर्स उसे डम्ब या फिर एवरेज का टैग लगा देते हैं। एजुकेशन सिस्टम ये नहीं देखता कि आपने कितना सीखा है, वो बस ये देखता है कि आपने 1 साल के अंदर रेस कंप्लीट की या नहीं। इसलिए काफी सारे बिलियनर्स, मिलियनर्स, स्पोर्ट्स पर्सन के मुंह से आपने सुना होगा कि एक छोटे से कागज का टुकड़ा ये कभी नहीं बता सकता कि आपको क्या आता है। हम एजुकेशन सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सीखने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो आइए उन 4 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये सबसे मुश्किल पॉइंट है और 80% स्टूडेंट्स यहीं पर आउट हो जाते हैं, और वो ये है कि पढ़ने बैठो। अगर आप पढ़ने बैठोगे तभी तो आपको कोई चैप्टर या टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। देखिए, आप चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, जितना भी सोच ले कि मैं इतना सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपका ज्यादातर समय इन चीजों की प्लानिंग में ही निकल जाता है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपके पास कोई काम ना हो, इसका मतलब सच में कोई काम ना हो, ये नहीं कि गेम खेलने या रील देखने बैठ गए, अगर सच में कोई काम ना हो तो आपको जो सब्जेक्ट नहीं आता उसकी किताब खोलो और पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करो। ज्यादा मत पढ़ना, सिर्फ 15 मिनट का डिसाइड करके पढ़ना शुरू करो। और ऐसा नहीं कि बस यूं ही पढ़ रहे हैं, हर लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। देखना 15 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया कि पढ़ने बैठो। पॉइंट नंबर 2, एक बार पढ़ने तो बैठ गए लेकिन शुरू कहाँ से करें? मैं बोलूंगा कि तुम चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि 90% केसेस में ऐसा होता है कि अगर आप बीच में से कहीं से पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारे मन में काफी सारी चीजें ऐसी आएगी जो समझ में नहीं आएगी, और उसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली पीछे वाले चैप्टर में आ गया होगा। इसलिए हो सके तो हमेशा शुरू से स्टार्ट करो। हाँ, कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, मतलब कि लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट, ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें ये बात लागू नहीं होती। लेकिन वैसे भी इन सब्जेक्ट्स को उतना सीरियसली कौन पढ़ता है, तो इनका टेंशन छोड़ दो, बस 8 या 10 दिन में एक बार इस पर नजर मार लेना। पॉइंट नंबर 3, अब देखिए हमें पढ़ाई तो शुरू कर दी, स्टार्ट भी 1 चैप्टर से किया है, लेकिन कम से कम समय में चीजों को समझकर याद कैसे करें? देखिए, इसमें जो मुझे सबसे अच्छी पैटर्न लगती है और जो मुझे भी पर्सनली काफी हेल्प करती है, मैं आपको वो पैटर्न बताता हूँ। यहाँ पर हर किसी की पैटर्न अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर आपको ये पैटर्न सूट करती है तो इसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके टॉपिक्स के नाम और उनके सब टॉपिक्स के नाम नोटबुक में या फिर पेज में लिख लेने हैं। मोस्टली हर चैप्टर में 6 या 7 टॉपिक्स होते हैं, जिनमें सब में एवरेज 1 या 2 सब टॉपिक्स होते हैं। इतना लिखने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। याद रखना कि सिर्फ नाम ही लिखने हैं। अब आपको बुक बंद कर देनी है और गूगल को ओपन करना है और सभी टॉपिक्स को बारी बारी सर्च करना है। गूगल आपको 2-4 लाइन में उसके बारे में बताएगा और आपको बस समझ लेना है कि ये टॉपिक की डेफिनेशन क्या है या तो वो टॉपिक क्या कहना चाहता है। इतना करने में आपको 10 मिनट लगेंगे और उसके बाद आपको अपनी बुक ओपन करनी है और उसमें से पढ़ना है और वापस उन टॉपिक्स की डेफिनेशंस और बेसिक को बुक में से पढ़ना है। इतना होने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर किस बारे में है। और अगर आप सिर्फ इतना ही कर लेते हैं और एग्जाम में कोई इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप एकदम ब्लैंक नहीं होंगे, आप 3-4 लाइन तो उसके बारे में लिख ही डालोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही करना है, इतना होने के बाद आपको अपने हिसाब से उस चैप्टर को पढ़ना है। पॉइंट नंबर 4, अब आप पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ते पढ़ते आपको ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई लाइन या ऐसा कोई वर्ड जरूर दिखेगा जो समझ में नहीं आएगा, तो उस टाइम पर उसे रटना नहीं है या फिर स्किप भी नहीं करना है। सबसे पहले गूगल पर टर्म को सर्च करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो यूट्यूब पर सर्च करना है। आई थिंक इन दोनों चीजों में से आपको किसी एक में तो आंसर मिल ही जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में अच्छा करना तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उस चीज को सीखना है। मान लो अगर तुम्हें फिर भी वो चीज समझ में ना आए तो अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो। अगर तुम्हें लगे कि काफी बेसिक क्वेश्चन है और सबके सामने पूछने से तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी तो वो टीचर जब अकेले में हो या फिर फ्री हो तब उसे पूछो। लेकिन तब अगर वो टीचर तुम्हारी इंसल्ट करे तो तुम्हें उसकी वाट लगा देनी है। तुम प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर सकते हो क्योंकि कोई टीचर तुम्हें कुछ सिखाने से मना नहीं कर सकता।
तुमने उस चीज के लिए पैसे दिए है। प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेकर आना है, और अगर फिर भी कुछ ना हो तो समझ लेना कि तुम गलत जगह पे पढ़ रहे हो, अपना स्कूल चेंज कर दो। अभी लास्ट में एक बोनस पॉइंट, तुम्हें कभी भी पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाना है, क्योंकि एक तो वो फॉलो नहीं होने वाला, और दूसरा कि स्टूडेंट का सिर्फ एक ही काम होता है, पढ़ाई। ये स्टेटमेंट उस केस में लागू नहीं होता जब अगर आपको बनना कुछ और है और आप पढ़ कुछ और रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको फुटबॉलर बनना है तो आपको साइंस से कोई मतलब नहीं है, तब आपकी पढ़ाई आपकी फुटबॉल ट्रेनिंग है। लेकिन बाद में पता चला कि आप ना तो फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हो और ना तो पढ़ रहे हो, लेकिन 12th तक आपको सीरियसली पढ़ाई करनी है और साथ साथ में अपना पैशन फॉलो करना है, लेकिन 12th के बाद आपको जो बनना है उसी चीज में अपनी नॉलेज प्रैक्टिस या ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है। आपको कम से कम 10 घंटे अपने पैशन पर देने होंगे जिससे वो आगे जाकर आपका प्रोफेशन बन जाए। खैर, किसी भी प्रॉब्लम से डरना नहीं है और उसका मुकाबला करना सीखना है। वैसे अभी आपका पढ़ाई का डर तो खत्म हो गया होगा, लेकिन अगर आपको भूतों से डर लगता है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो।